Jarvis set an alarm for 2:45. Nice, nice, nice. Sure thing. What's up? How can I assist you today? Jarvis, stop. Okay, have a great day. Let me know if you need anything in the future. So, hello everyone, आज हम लोग का डे 28 ऑफ मेकिंग जार्विस एंड आज के इस वाली वीडियो में मैं ऐड करने वाला हूँ अलार्म फीचर। अलार्म हो गया आपका, ये चीज मैनेज करेगा अपना चैट जीपीटी। तो हम यहाँ पे वेट अ सेकंड, यहाँ पे फाइल बनाएंगे alarm.py। तो देखो अप्रोच क्या है अपनी, अपन थ्रेडिंग का यूज करेंगे और एक थ्रेड डिजाइन कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, लाइक अलार्म के लिए कोई ऑडियो सेलेक्ट करेंगे और अलार्म बजा देंगे। सिंपल सा कोड है। तो इस पे मजदूरी करने से बढ़िया मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास, राइट कोड टू इन पाइथन टू मेक अलार्म और कांट वी प्ले एनी सॉन्ग। तो एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं सॉन्ग्स नाम का ऑडियो एंड यहाँ पे हम अपने गाने वगैरह सेव कर लेंगे। ये वाला कोड हर एक सेकेंड में चेक करता है लाइक, और ये कोड गलत है एक्चुअल में। यहाँ पे कुछ ग्रेटर देन का सिंबल आना चाहिए था, करंट टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आना चाहिए था। तो ऐसी चीज़ों से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। कॉपी करते हैं कोड एंड सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें फिक्स करने वाला हूँ। प्ले साउंड काम करता है क्या? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। टेम्प के अंदर डेटा डॉट MP3 रन कराएंगे एंड हमारा टाइम क्या है भाई, अभी 2:11 है तो हम 2:12 कर देते हैं। एंड यहाँ पर इसने कोड गलत लिखा हुआ है तो इसको भी ठीक करते हैं। तो ये पाथ का कुछ एरर दे रहा है तो मैं कॉपी फुल पाथ कर रहा हूँ, आर पाथ बनाते हैं इसको एंड यहाँ पे 1350 कर देते हैं। ठीक है यार, ये फंक्शन बाहर में जाए, मुझे पता था ये नहीं काम करेगा। हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे पाई गेम का साउंड प्ले करने के लिए। देख सकते हो भाई GPT से भी कोड जनरेट करवाना लाइक ठीक नहीं है। तो देखो पहली चीज़ तो ये काम कर रहा है, सेकेंड चीज़ हम इस पर कहाँ गया भाई, इतना ही पाथ में लेने वाला हूँ। फंक्शंस के अंदर अपना है स्पीक का कोड, स्पीक के अंदर हमने लिख के रखा है ये रहा पाई गेम के लिए। अभी ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे पाई गेम का कोड लगा दिया है एंड ठीक है। लेकिन अगर मैं अब इसको रन करके देखूँ तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ 2:15:20 का। देख सकते हो ये हो चुका है और ये मैंने 2 बार रन कर दिया था एंड देख सकते हो ये काम कर रहा है। सेम चीज़ करना है हमको थ्रेडिंग का यूज करके, बट उसके पहले साउंड फाइल एक ये ले लेते हैं एंड साउंड फाइल इधर डाल देते हैं, ठीक रहेगा। और हम लोग क्या करने वाले हैं लाइक मैंने एक बनाया था फोल्डर कहाँ, इंजेक्शन नाम का, हम GPT को इंजेक्शन देंगे। कहाँ गया मैं इंजेक्शन, इंजेक्शन गया यहाँ पे बनाऊँगा सॉन्ग्स डॉट GPT। तो हमने जो ऑडियो नाम का फोल्डर बनाया है इसके अंदर हम बहुत सारे गाने के नाम, मतलब बहुत सारे गाने डाउनलोड करेंगे एंड मैंने कुछ किए भी हुए हैं NCS के। तो देखो मैं यहाँ पे लाइक ऑडियो में कुछ गाने वगैरह पेस्ट कर रहा हूँ, अननोन ब्रेन भी कर देते हैं, मेरा फेवरेट है एंड राइवल तो ठीक है। गिरा इनके नाम को हमको ध्यान देना है, इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ ब्लेड फ्यूरी, तो मैं रिप्लेस करता हूँ। मैंने इस गाने का नाम रखा हुआ है ब्लेड फ्यूरी फॉन्क एंड अननोन ब्रेन भी मैंने लिया है। तो देखो मैंने अननोन ब्रेन को भी कर दिया है एंड लास्ट चीज़ ये क्या बचा है भाई, कौन सा गाना, स्काई हाई। तो आप भी ऐसे लाइक अच्छे अच्छे नाम पे सेव कर सकते हो गाने एंड हम क्या करेंगे, यही जितने भी मैंने सॉन्ग सेव किए हैं सबको मैं पाथ में डालता हूँ। कॉपी रिलेटिव पाथ ये रहा, कॉपी रिलेटिव पाथ ये रहा, कॉपी रिलेटिव पाथ। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो सॉन्ग्स हैं इनको पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, दीज आर सॉन्ग
path available in my PC, ठीक है। आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो या सब ट्रैक कर सकते हो, बट ठीक है। एंड हमको आई गेस GPT मैंने डाला नहीं है रीड करने के लिए, तो वो फंक्शन डालना पड़ेगा LLM bard के अंदर, पर मिस्टल के अंदर लोड इंजेक्शन। तो हम जाते हैं चैट GPT पे एंड यहाँ पे लोड आ गया भाई। एक काम करते हैं, इसके ऊपर बनाते हैं। लोड इंजेक्शन, यहाँ से OS से इंपोर्ट कराते हैं एंड हमारा डिफॉल्ट पाथ होगा GPT, एंड मतलब GPT होगा, बाकी चीज़ें तो ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको अगर रन करता हूँ एंड मैं इससे बोलता हूँ वेट अ सेकेंड, मैंने अभी अपेंड तो कराया है नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा मैसेजेस डॉट एक्सटेंड और इसके अंदर मैं डालूँगा लोड इंजेक्शन फंक्शन। अभी ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार ऐड कर देता हूँ। हाँ मैंने सॉन्ग्स टू आई हैव, ओके ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर इसको पता है कि हम लोग क्या एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं लेके से पूछूँ डू आई हैव, मैंने से पूछा डू आई हैव स्काई हाई सॉन्ग, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। तो देखो इसने बोल दिया दुखी है, मतलब सही चल रहा है, सही चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई स्काई हाई डॉट MP3 यहाँ पर भी नाम है एंड यहाँ पर भी नाम है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि कहाँ गया हमारा alarm.py, इसके अंदर भी कुछ सेटिंग्स ऐड करता हूँ मैं। जो साउंड फाइल है उनका पाथ चाहिए, तो मैं एक पाथ नाम का वेरिएबल बनाऊँगा। एक तो साउंड फाइल भी ठीक है भाई, अलार्म टाइम, बस थ्रेडिंग का यूज़ करना है। अब थ्रेडिंग का यूज़ करने के लिए इम्पोर्ट कराते हैं, इम्पोर्ट फ्रॉम थ्रेडिंग इम्पोर्ट थ्रेड। मैं थ्रेड जो कुछ भी है क्या कर सकते हैं, लाइक टारगेट कर सकते हैं ना एक फंक्शन को। तो हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट सेट अलार्म। मेरे से मत पूछना मैंने क्या लिखा है, बट लिखा है। ये भी दो आर्गुमेंट लेगा एंड पूरा फंक्शन सेम होगा, बस अलग क्या होगा कि यहाँ पे हम लगाएंगे थ्रेड को कॉल कर देंगे। टारगेट होगा हमारा क्या नाम है इसका, सेट अलार्म। एंड आर्गुमेंट्स होंगे हमारे, पहला तो होगा हमारा अलार्म टाइम एंड ये दोनों ही को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो जा पेस्ट हो जा एंड इसको स्टार्ट करा देते हैं। मैं वापस से करता हूँ, 27 आ चुका है तो मैं सो करने वाला हूँ 2750। हेल यार मुझे यहाँ पे सॉन्ग देना चाहिए था, बट कोई ना मुझे पता है काम करेगा। Hello, I am the latest JARVIS AI designed by Divyansh Shukla. Wait a second. लेकिन अगर मैं इसको सेंड करने के बाद प्रिंट कराऊँ कुछ एंड यहाँ से इसको मैं बंद करा रहा हूँ, कहाँ गया भाई प्रिंट। ठीक है भाई, थ्रेडिंग को मैंने हुक कर दिया है जो कि अच्छे से काम कर रहा है। एंड अब मुझे क्या करना है, टूल किट से इम्पोर्ट कराना है ना इसको। तो मैं जाता हूँ GPT में एंड इसको बता देता हूँ पहले से लाइक क्या सीन होने वाला है इसके साथ। यहाँ पे हमको एक और पाइथन ऐड करना है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा कि एक फंक्शंस के अंदर टूल किट है जिसके अंदर एक अलार्म नाम का वेरिएबल है डॉट अलार्म। अलार्म से हम अलार्म इम्पोर्ट कराएंगे, सेट अलार्म, सेट अलार्म इम्पोर्ट कराते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको एक क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइक दो चीज़ें कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइमर डाल देता हूँ एंड मैं यहाँ पे मैं इसको डाल सकता हूँ डन। साउंड फाइल जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो होगी ये रहा क्रिएटिव पाथ, ये रहा। तो मैंने डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे फाइल का पाथ दे दिया है ताकि अगर GPT ना पास कर पाए तो भी हम दे दें। हम क्या करने वाले हैं, कुछ इस फॉर्मेट में हमको डेटा देना है। तो पहले मैं इन कमेंट्स को हटाता हूँ और हम क्या करने वाले हैं, लाइक अलार्म टाइम तो हो गया, जैसे अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट देने वाला हूँ अननोन ब्रेन का। ये तो स्काई हाई भी अच्छा है भाई, इसको दे देते हैं अननोन ब्रेन। कॉपी पैथ असली रिलेटिव पाथ चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमने GPT को बता दिया है कि तुम यूज़ कर सकते हो सेट अलार्म फंक्शन। एंड हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे भी एक इंस्टेंट बना देंगे कि हमने जारिस को बोला कि हाँ भाई अलार्म सेट कर दो, इसने कर दिया।
तो मैंने कॉपी किया है एंड मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ जार्विस सेट अलार्म फॉर, मुझे लिसन डॉट पाई का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता भाई क्या सुनने वाला है ये। सेट एन अलार्म फॉर 2:33, सेट एन अलार्म फॉर 3 o'clock। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करने वाला हूँ, 3 नहीं करते लाइक हम इसको क्या करते हैं 15 o'clock, 11 o'clock। सेट एन अलार्म फॉर 2:55, ठीक है हम कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं। बाकी अब जारविस देखें AI है वो, मैंने यहाँ पर हम पाइथन कोड में क्या लिखेंगे यही कोड कॉपी करते हैं। कहाँ गया भाई, अलार्म का टाइम होगा हमारा 2:55 एंड कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होगा। यहाँ पर मैं स्लैश एन डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ साउंड फाइल, यहाँ पर मुझे डालना है स्लैश एन और सेट अलार्म। ठीक है आई गेस हो चुका है अपना काम, हमने डाल दिया जारविस पे अलार्म वाली फंक्शनैलिटी। लेट्स ट्राई, बट उसके पहले मैं ये रिमूव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रिंट भी करा दूंगा कि अलार्म सेट हुआ है प्रिंट। ओके तो थोड़ी सी आई गेस गलती हो चुकी है, क्या हुई है भाई लाइन नंबर 69 GPT में, भाई GPT में तो 69 लाइन है ही नहीं भाई, हद है यार कहाँ से मैं लेके आऊँ इनकी 69 लाइन। वेट अ सेकंड यहाँ पे आई गेस ये स्लैश का दिक्कत है, तो मैं यहाँ पर डबल स्लैश कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, अभी भी काम बनेगा अपना बिकॉज क्यों नहीं बनेगा अभी, ठीक है आई गेस। ओके तो स्लैश का ही दिक्कत था, मैंने सॉल्व कर लिया है एंड कहाँ है अपना मेन डॉट पाई हीरा, रन करते हैं। जार्विस सेट एन अलार्म फॉर 2:43, देख सकते हो उसने कर दिया है एंड भाई ये तो थ्रेडिंग में था, एक काम क्यों नहीं कर रहा है लाइक। ओके वेट अ सेकंड मुझे आ रहा है एक लाइन बस और चेंज करनी है जो कि लास्ट लाइन होगी, ठीक है अभी ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन और चेंज करी है, जार्विस सेट एन अलार्म फॉर 2:44, जल्दी से हो जाए भाई लाइक नहीं बोलो। ओके लग चुका है, नाइस 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 ग्रेट लेट्स गेट स्टार्टेड, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, आई एम वेल हियर डोंट नीड एनी असिस्टेंस। ऑल राइट सूट योरसेल्फ, If you change your mind, I'll be here to assist you. Just remember that my j.a.r.v.i.s.inspired humor won't be turned off that easily. Jarvis set an alarm for 2:45. तो लग देख सकते हो ये काम कर रहा था, वापस से मैं आपको करके दिखाता हूँ एंड जार्विस मेरी बात भी सुन रहा है। नाइस नाइस नाइस। Sure thing. What's up? How can I assist you today? Jarvis has stopped. Okay, have a great day. Let me know if you need anything in the future. By the way, song was great. Thank you. I'm glad you enjoyed it. Feel free to ask for another one anytime. Just remember, I'm not a jukebox, I'm a digital assistant here to help you with your queries. Bye bye bye, see you soon. ओके चलो ठीक है, हमने डाल दिया इस पर अलार्म का फीचर एंड लाइक अलार्म जब तक चल रहा है जार्विस से बोल के मैं बंद भी करा सकता हूँ अलार्म एंड दोनों सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब अगर जार्विस चल रहा है अलार्म चल रहा है तो जार्विस रुकेगा नहीं क्योंकि बेस्ट चीज़ है, अब इससे अच्छी चीज़ क्या ही हो सकती है। एंड तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।